हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीषा और आज मैं नहीं भी तो शायद 9 दिन बाद कोई वीडियो डाल रही हूँ। मैं नहीं डाल पाई किसी रीज़न से, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि क्या हुआ था। फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो मैंने पहले का रिकॉर्ड करके रखा हुआ था तो मैं डाल नहीं पाई किसी वजह से, तो सोचा आज डाल देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बना रहे हैं ईजीएस्ट पास्ता मैक्रोनी। मैंने ये इंस्टाग्राम में देखा था और बहुत ही ईजी सा लगा था मुझे। आज हम लोग लंच नहीं बना रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। आप लोग भी देखिए, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ना मैक्रोनी बॉईल करनी है, ना अलग से कुछ स्पेशल करना है। मेरे पास अभी कोई वेजिटेबल्स नहीं है घर में, तो इसलिए मैं इसको प्याज और टमाटर यूज़ करके बना रही हूँ। आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं। मेरी कटिंग स्किल्स को जज मत करना क्योंकि मैं ऐसे ही काटती हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ गाइस, शेफ नहीं शेफ। बच्चे तो सबके घर में होते ही हैं, बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई है क्योंकि बच्चे पास्ता वास्ता और मैक्रोनी और ये सब चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। वाइट सॉस पास्ता मुझे कुछ खास नहीं लगता, या फिर शायद मैंने अच्छा बनाया नहीं है कभी, इसलिए या अच्छा खाया नहीं है कभी रेस्टोरेंट में। वो भी ट्राई किया जाएगा, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे मैक्रोनी। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड वेरी डिलीशियस टू ईट। तो सबसे पहले क्वांटिटी के हिसाब से, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से अपने लिए अनियन और टमाटोज चॉप कर लें। और मैक्रोनी बस धो लीजिएगा, मैक्रोनी को बॉईल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको बस ऐसे ही बना लेंगे हम फटाफट से। भी दिखाती हूँ, इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ लगेगी जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, क्योंकि उसका फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है मेरे घर में, तो इसलिए मैं वही यूज़ कर लूँ। तो लेना ऑयल भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम पास्ता देख लेते हैं। मुझे पता चाहिए वॉश कर लेते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया, ऑयल में सबसे पहले डालेंगे प्याज। डेल मोंटे का पिज्जा पास्ता सॉस ऑरिगेनो, वैसे ये पिज्जा मिक्स है, इस पर ऑरिगेनो भी होता है। अब इसमें हम टमाटोज डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जो भी कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, कुछ लोग कम कर दें। और आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स क्योंकि ये बच्चों ने खाना है इसलिए। अब ये टमाटर थोड़े से मशी से हो जाए ना, मतलब बिल्कुल गलाने नहीं है। इंडिया की 90% मॉम्स खाना जो है वो बिना मेजरमेंट के ना अंदाजे से ही बनाते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से देखिएगा, तो इसको थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे मुझे लगता है। आप चाहें तो बाद में इसमें मेयोनीज चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ। ऑरिगैनो डालेंगे, ये पिज़्ज़ा पास्ता मिक्स डालेंगे, ये हमारा सॉस रेडी हो गया। जैसे ही सॉस रेडी हो गया, लगभग लगभग रेडी हो गया, देख लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी।
डाल दी हमने इसमें मैक्रोनी, मतलब सॉस इतना होना चाहिए ना, जो भी हमने बनाया है सॉस वो इतना होना चाहिए कि मैक्रोनी वाइट वाइट ना दिखे, मतलब सॉस का कलर दिखने लगे, सॉस का कलर दिखेगा इट मीन्स कि ये इसमें प्रॉपर डला हुआ है सॉस, कम नहीं है। ये देखिए इसमें सॉस का कलर आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। एक कटोरी ये मुझे कम लग रहा है, हम डालेंगे एक और कटोरी। तो आप देख लीजिए ये, यानी कि अब ये देखो थोड़ा सूपी सूपी लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैक्रोनी ने पानी सोक करना है इसलिए हमने ज़्यादा पानी रखा है। तो यानी कि मैंने चार कटोरी मैक्रोनी में ढाई कटोरी पानी लिया है, तो इससे डालने में मतलब नापने में इजी रहेगा। अब मुझे इसमें लगा देना ढक्कन, कुछ नहीं करना, देखा कितना इजी है, सिर्फ इसमें ढक्कन लगा देना और वेट करना है हमें एक सीटी का। जैसे ही एक सीटी लग जाए उसके बाद इसको खोल देना है, तो हम वेट करते हैं एक सीटी का। तो यहाँ लग रही है प्रेशर कुकर में सीटी और हम कर रहे हैं वेट एक सीटी का। जैसे ही एक सीटी लग जाएगी उसके बाद मैं इसको खोल दूंगी। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो, वैसे तो पास्ता मैक्रोनी हेल्दी होती नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप बहुत सारी वेजीज डाल सकते हैं, जैसे कैप्सिकम हो गई, कॉर्न हो गई, और भी बहुत सारी बीन्स हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल्स में जा सकती हैं। तो वेजिटेबल्स डाल के आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि आप अनहेल्दी खा रहे हैं, तो आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, और बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे उनको बिना वेजिटेबल्स के। तो सीटी आ गई, अब हम इसको कर देंगे बंद, वेट करेंगे प्रेशर रिलीज होने का, उसके बाद हम उसको खोलेंगे। तो कभी कभी हम लोग ऐसी लंच नहीं बनाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, और मम्मी कई बार मना कर देती है कि मुझे लंच नहीं करना है, अंकुर भी कई बार लंच में नहीं रहते हैं, तो बचते हैं मैं, स्वर्णिम और अविरल। तो हम ट्राई करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा ही बना लें। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी बताइए आप लोग क्या ट्राई करते हैं जब घर में लंच नहीं बनाते हैं या डिनर स्किप करते हैं। ये लोग प्रेशर कुकर की सीटी, प्रेशर रिलीज हो गया, अब हम इसको खोल देंगे। कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, अभी भी ये थोड़ी वाटरी है, पर हमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं गाइस, देखने में तो बहुत टेम्प्टिंग लग रही है ना, खाने में बहुत टेस्टी होती है यार, ट्राई जरूर करना। सी अब इसको हम थोड़ा सा गैस ऑन करके और बिना लिड लगाए इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये पका है या नहीं, हमने एक सीटी लगाई है, लेट्स ट्राई दिस। क्योंकि अलग कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनी की ये मैक्रोनी होती है ना, तो कुछ जल्दी पक जाती हैं कुछ नहीं पकती हैं। और मुझे लग रहा है ये देखो इसमें ये वाइट लेयर दिखाई दे रही है ना, सी मेरा हाथ जल्दी जल्दी बैठ गया, इसमें ये वाइट लेयर दिखाई दे रही है ना, फोकस करती हूँ, फोकस हो जा, ये नहीं दिखाई देनी चाहिए, इट मीन्स ये कच्ची है अभी, तो इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है, वो हम ओपन लेड में पकाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ये पक भी जाएगी और जो हमारा सॉस है वो पूरी तरीके से मैक्रोनी में हो जाएगा, ये वाटरी भी नहीं रहेगी, आई मीन टू से दैट। कितनी अच्छी लग रही है गाइस, परफेक्टली कुक हो गई है दोस्तों, एकदम परफेक्ट है ये। मैंने स्वर्णिम के लिए निकाल दी है, तो मैं इसमें थोड़ी चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। लग रही है ना बढ़िया, कितनी इजी भी है, फालतू में इतनी टेंशन लेते हैं, अलग बॉईल करो, उसमें ऑयल डालो, सॉस अलग से बनाओ, परफेक्ट। अब हम चलते हैं पति देव को देने। बहुत इजी तरीके से मैक्रोनी बनाई है मैंने, टेस्ट करके बताओ यार, तुम बताओ। सुनने में इसमें स्पाइसी है ये आपके लिए, स्पाइसी खा रहा है।
आपके लिए मिर्ची के बिना निकाला हूँ मैंने। कैसा है? पक्का ना? कैमरे के लिए तो नहीं बोल रहे? पक्का ना? ओके आपके लिए लाती हूँ मैं स्वर्णिम, ठीक है? चलो ड्राइंग रूम में बैठ के खाओ, यहाँ पे नहीं। ये हमारी स्वर्णिम भाई की बिना मिर्ची की, लो स्वर्णिम बेटा ये बुक। तो दोस्तों हम कर रहे हैं मैक्रोनी इंजॉय और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जो वीडियो के एंड में ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने लोगों का भी ख्याल रखिए। और आजकल बहुत डेंगू हो रहा है यहाँ कोटद्वार में, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर किसी को थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो उनको ऐसे ही मत लीजिए, किसी अच्छी जगह दिखाइए। और कोटद्वार में आप जानते हैं मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है, तो हो सके तो बाहर भी दिखाइए। तो इस तरीके से ख्याल रखिएगा। अभी हाल ही में मेरी फैमिली में मेरी चाची की डेथ हुई है, जो कि इतनी एक्टिव थी और मतलब इतनी स्ट्रांग लेडी थी कि बस क्या बोलें। जितने लोगों ने सुना उन लोगों के लिए इतना शॉकिंग था कि वो अब नहीं है, मतलब वो जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है कि अच्छी नहीं रही। 3-4 दिन ही लगे उनको और वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक से उनको थोड़ा स्टमक एक हुआ और उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम लोग फिट हैं, क्योंकि वो हर 6 मंथ में अपना फुल बॉडी चेकअप कराती थी, बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी थी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ आप लोग बहुत फिट हैं और आप लोग बिल्कुल ठीक हैं तो आप लोग मतलब अगर कोई सिम्टम्स आते हैं आपको डेंगू के, तो प्लीज़ ज़रूर जाके दिखाइए। एक्चुअली लाइफ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होती है, हमको पता ही नहीं चलता है कि आज जो हमारे साथ है वो कल हमारे साथ होगा भी या नहीं होगा। तो जो है उसको अच्छे से रखिए, उनके साथ अच्छे से रहिए और प्यार से रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहूँगी। यही रीज़न था कि मैं आजकल वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही थी, और एक्चुअली मन ही नहीं होता है ऐसे में कुछ करने का, तो मैं कुछ कर भी नहीं रही थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अभी के लिए बाय बाय।